नमस्कार आप सभी का, आज के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। अभी जो मौसम है वो ऐसा ही है, नॉर्मल है, मतलब पाला वगैरह पड़ा हुआ है। मिताली और अम्मा धूप सेक रहे हैं। मम्मी ने हम दोनों को टीला से गोबर लाने को बोला है, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ से। अभी हम गोबर लेके आ चुके हैं और फिलहाल हम कुछ नहीं कर रहे, हम पपीता खा रहे हैं। अभी मम्मी ने हमें बोला कि गद्दियाँ बनाओ बैठने के लिए, तो हम अपने पुराने कपड़े निकाल रहे हैं और गद्दी बना रहे हैं। अब ये जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं पहनती थी, मेरे को बहुत पसंद था। इसके ऊपर का भी था, ये वाली स्वेटर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब तक ये मतलब यहाँ से ऐसी नहीं होगी तब तक मैं हमेशा इसको पहनती थी, हमेशा छोड़ती नहीं थी। ये मोंटी का है, इतना छोटा सा। ये भी भैया का ही है और मिताली की ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहे हैं। खैर मिताली जो थी लेकिन वो बहुत मोटी थी अपने टाइम में। ये रहा उसका एक पजामा, मिला है अभी। अभी अच्छे से धूप आ गया है तो मम्मी गाय बच्ची को बाहर बांध रही है। भैया और मैं फिलहाल बहस करते हुए गद्दी बना रहे हैं, वो अपनी वाली बना रहे हैं, मैं अपनी वाली बना रही हूँ। और गद्दी सिल चुकी है, तैयार हो चुकी है। ये आज के दिन जो है मिट्टी वाले कमरों में गोबर से लिपाई होती है नीचे, तो यहाँ भी हो चुकी है। अभी अब हम लोग सब्जी वगैरह काट रहे हैं। मांस की दाल भी हमने मिक्सी में पीस दी है और तेल भी चढ़ा दिया है। अम्मा ने नहा लिया, अभी एक एक करके सब नहाएंगे। तेल वगैरह गर्म हो चुका है तो मम्मी फिलहाल पूरियां बना रही है, और जब तक मम्मी पूरी बना रही है तब तक हम जाते हैं नहाने। नहाना धोना हो चुका है तो तिलक बनाते हैं और तिलक लगाते हैं सभी को। मम्मी अभी बड़े बना रही है, अभी मौसी आने वाली है, तो तब तक का मैं और अम्मा खिले खाते हुए गप्पे हाँक रहे हैं। और अभी अब हम लोग धूप में थोड़ा आराम कर लेते हैं। हमने अभी गुड़ का पानी तैयार कर लिया है, मौसी ने आते ही काम शुरू कर दिया, आटा गूंथ दिया गुड़ के पानी का, जिससे हम लोग घुटते बनाएंगे। अभी जो है मौसी मक्के के आटे की थैली खोल रही है क्योंकि हम लोग इसके खजूर बनाएंगे जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। मम्मी काजू कूट रही है और मौसी जो है अजवाइन मिक्स कर रही है गेहूं और मक्के के आटे में। इसमें जो है अब हम काजू और बेकिंग सोडा भी मिक्स करेंगे, और मौसी अब इसे अच्छी तरीके से गुड़ के पानी से गूंथ रही है। तब तक हम लोग घुटते बना रहे हैं। अभी कढ़ाई में तेल चढ़ा देते हैं ताकि वो गर्म हो जाए हमारे इन्हें बनाने तक। मक्के के आटे को गूंथने में टाइम लगता है और बेलने में भी। इसको बेल के मौसी अभी इसे शेप में काट रही है और ऐसे साइड कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं इसको, इसके खजूर बनेंगे। हम लोगों ने भी काफी घुटके बना दिए हैं, तो अब मम्मी इन सबको तलेगी और तल के बन जाएंगे हमारे घुटके और खजूर। कैप ये वाला तो अब जो भी घुकते हैं और जितने भी पकवान हैं हम उस सबको एक थाली में रख लेते हैं पहले ही, क्योंकि इसे कल सुबह छत पे ले जाके कौवे को देते हैं। भाभी भी मायके जा रही है, वैसे ही दीदी भी आई है, तो हम दीदी के साथ पार गए हैं। अभी हम लोग खेल रहे हैं, अभी हम यहाँ से जाने भी लग गए हैं। दीदी अंदर बैठी हुई थी बड़ी मम्मी के साथ, बड़ी मम्मी तिलक विलक लगा रही। अब हम यहाँ से जाते टाइम नींबू ले जा रहे हैं।
अब हम यहाँ से नींबू लेके चल दिए हैं घर को। ये हमारे गांव का मंदिर है पूरा। अब वो रहा हमारा घर। हम लोग जाने लग गए हैं दीदी को पहुंचाने के लिए। वो देख ऊपर पेड़ कैसे गिरा है। पूरा पेड़ नंगा कर यहाँ के साइड अभी भी रास्ते में पाला दिख रहा है। अब हम घर भी बस पहुंच गए हैं। ये देख मानने हो कर रहा देख अब दीदी को यहाँ पहुंचा के हम लोग चलते हैं वापस अपने घर को। काले कौवा काले काले कौवा काले गुगती माला काले गुगती माला काले तू मेरो पड़े ले जाले मैं सुरू को घर दी जाले माघ में पूसे की रोटी खाले कौवा।